और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की 5 बूथ पर मिलान की बात कही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उनको लेकर तगड़ा झटका लगा है। सीजीआई ने कहा है कि एक ही मामले को बार बार क्यों सुने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। हालांकि विपक्ष ने भी ऐसा कहा है। इसे 5 की वृद्धि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, यानी 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमारी याचिका आज पुनर्विचार की ये थी कि यद्यपि आपने सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत को मान लिया है, यानी हौसला बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये नंबर बढ़े, ये भी आपने कहा है कि नंबर वायबल होना चाहिए, ये हमारे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं, फिर भी आपने जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम है। इसलिए हमने कहा है कि यद्यपि हम 50% मांग रहे हैं, 33 नहीं तो 25% वृद्धि होनी चाहिए वीवीपीएटी के ऑटो चेक पे। लेकिन इसके अलावा हमारी एक और महत्वपूर्ण, यानी पहला मुद्दा तो यह है कि आपने सिद्धांत माना है, सिद्धांत को कार्यान्वित करने के वक्त उसको सही रूप से कार्यान्वित नहीं हुआ है, इस प्रकार से हुआ है कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। दूसरा हमारी याचिका थी कि अगर 1 से 5 मान भी लें तो आज अगर 5 क्षेत्रों में, 5 असेंबली सेगमेंट्स में ये मालूम पड़ता है कि गलतियां हैं ऑटो चेक में, सैंपल चेक में, तो उसके विषय में कोई विस्तृत सही गाइडलाइंस अभी तक चुनाव आयोग ने जारी नहीं की। ये मानने के बाद कि सिर्फ 5 ही होना चाहिए, अगर 5 या 5 में से 4 में गलतियाँ पाई गई तो ये स्वाभाविक है कि पूरी वीवीपीएटीज उस पूरे एरिया में ऑटो चेक नहीं, उसको सबको काउंट करना चाहिए। जहाँ तक हमें अभी सूचना है सिर्फ वो 5 असेंबली सेगमेंट्स की वीवीपीएटीज को काउंट किया जाएगा, ये गलत है क्योंकि ये सैंपल चेक है। सैंपल का मतलब होता है कि अगर सैंपल प्रदूषित है तो पूरा जो है सामूहिक चीज़ भी प्रदूषित है। हमने उदाहरण दिए हैं कि पिछले ऑर्डर 8 अप्रैल के ऑर्डर के बाद आज तक कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो विश्वसनीयता इस प्रक्रिया की संदिग्ध करती हैं। विश्वसनीयता तेलंगाना में संदिग्ध हुई हैं, हमने लंबी सूची दी है। विश्वसनीयता असम में एक्स डीजीपी ने खुद ने कहा है कि मैंने बटन दबाया 1 का और वोट मिला बीजेपी को और मैं डर के मारे अब कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब चीज़ें हम, यद्यपि आज हम सफल नहीं हुए हैं, हम विनम्रता से बाउ डाउन करते हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में। हम सब उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। राजनीतिक अभियान और देश को अवगत करवाना इन तथ्यों से हमारा कर्तव्य है, जो ये सभी लीडर करते रहे। धन्यवाद। तो 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को मिलान के लिए यहां पर याचिका दायर की थी, जिसमें विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सीजीआई ने कहा है कि बार बार एक ही बात को क्यों सुने कोर्ट।